हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में काफी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ऑल द एमएनसीज, डेलॉयट, सिस्को, आईबीएम, एचसीएल, डसॉल्ट, फोर्समोंट, और काफी अच्छी अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज है इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। डिस्कस करते हैं एक बार, और सबसे पहले हम बात करेंगे डेलॉयट की, देन हम बात करेंगे सिस्को की, और ऐसे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेलॉयट की। डेलॉयट की तरफ से जो हायरिंग आ रही है वो आ रही है एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, तो एनालिस्ट एयू एमसीबीटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हायर कर रहे हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट की हायरिंग है, और ये बहुत बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लीड और पीएमओ एनालिस्ट हु कैन आस्क द राइट क्वेश्चन। पीओ में एनालिस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है। अब अगर आप पीएमओ रोल के ऊपर एक टोटल वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा कि पीएमओ बेसिकली रोल क्या होता है, क्या काम वगैरह होता है, सब डिटेल में डिस्कस, क्योंकि मैंने खुद ने भी पीएमओ में काम किया हुआ है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर आपको सीनियर एनालिस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हैदराबाद जॉब लोकेशन, शिफ्ट टाइमिंग आपकी यहाँ पर लिखी गई है 6:30 AM to 3:30 PM की आपकी शिफ्ट होने वाली है। बेसिक रिक्वायरमेंट काफी ईजी है, एमबीए पीजीडीएम बीटेक विद स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल मेथोलॉजीज, गुड टू हैव नॉलेज ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड हाउ दे कम टुगेदर एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। की स्किल्स इज एक्सीलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल, प्रोजेक्ट स्टेटस समरी, फैसिलिट प्रोजेक्ट कॉल्स, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन स्किल्स, चेकिंग स्टेटस ऑफ डिलीवरेबल्स, मतलब बेसिक स्किल्स है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो देखो इसमें आपको पैकेज होगा 4.5 LPA, इनिशियल लेवल पोजीशन है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि एनालिस्ट की पोजीशन है, एनालिस्ट में फ्रेशर अप्लाई कर पाते हैं, फिर सीनियर एनालिस्ट आती है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप चाहो तो इसमें रेफरल भी ले सकते हो। रेफरल कैसे लोगे? सबसे लास्ट में आओगे, ये रिक्विजिशन कोड लिखा हुआ है, ये जॉब आईडी है बेसिकली, ठीक है। तो इससे आप चाहो तो किसी लिंक्डइन एम्प्लॉय को रीच आउट करके रेफरल भी मांग सकते हो, ठीक। वरना अगर आपको डायरेक्टली कैरियर पेज के थ्रू अप्लाई करना है तो आप कैरियर पेज के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है? इसमें 2020, 2021, 2022, 2023 ये सारे बैच एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि सिस्को की तरफ से। अब सिस्को यहाँ पर हायर कर रही है इंटर्नशिप के लिए, डेटा साइंस एनालिस्ट इंटर्न इंडिया यूएचआर, ठीक। जॉब आईडी गिवन है। अगर इसकी बात करूँ तो देखो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में हायर कर रही है। एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस एनालिटिक्स 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू वर्क फंक्शनलिटी एंड ये सब बाकी लिखा हुआ है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डेटा साइंस में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो अपॉर्चुनिटी है इस फॉर 2022-2024 पास आउट्स ओनली, केवल 2024 बैच इसमें अप्लाई कर पाएगा, सिस्को की तरफ से हायरिंग आ रही है। तो 2024 बैच वालों इसमें जरूर अप्लाई कर देना जितने भी लोग देख रहे हैं। अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ आईबीएम की तरफ से, आईबीएम एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के लिए हायर कर रही है। एंट्री लेवल पोजीशन है, आपके सामने आप पढ़ सकते हो, एंट्री लेवल पोजीशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो आईबीएम में जब आप अप्लाई करोगे तो जो शॉर्टलिस्टिंग का लिंक है वो काफी टाइम बाद आता है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हैं, रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा पोर्टल पे, पोर्टल एसब्रास जॉब होगा इसका, जो ऑब्वियसली होता ही है। आप नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आप आ जाओगे इसका sjobsbrassing.com पे, और यहाँ पर आप इसके थ्रू इस पे प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आईबीएम पहले दूसरी तरीके से पोर्टल था इनका, अब इनका दूसरा पोर्टल हो चुका है। अब नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है एचसीएल की तरफ से। तो एचसीएल हायर कर रही है यहाँ पर, ये डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है एचसीएल की तरफ से, डायरेक्ट कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंटरव्यू है डायरेक्ट, ठीक है। सो ये वॉक इन इंटरव्यू हायर कर रही है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वॉइस फॉर फ्रेशर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जॉब लोकेशन होने वाली है। अब बाकी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट सारे देख सकते हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, अदर्स, फ्रेशर्स ओनली, फ्रेशर्स केवल अप्लाई कर पाएंगे, बाकी और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। मेल्स प्रेफर्ड, तो एक नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मेल्स को प्रेफर किया भाई इन लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई करता नहीं बट इन लोगों ने किया है। एक वॉक इन ड्राइव है, अब वॉक इन ड्राइव की अगर डिटेल्स अगर आप देखो तो 7 अगस्त को वॉक इन ड्राइव होने वाली है आपकी लखनऊ वाले ऑफिस में, और कॉन्टैक्ट एचआर जबलून मुर्मू, प्लीज रेफर माई नेम इन गेट नंबर 1। आपको गेट नंबर 1 पे इनका नाम लेना पड़ेगा तब आप जा पाओगे, ठीक। तो ये डायरेक्टली लखनऊ वाले पहुंच सकते हैं इस पे। अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो डसॉल्ट के बारे में आ रही है। अब हम थोड़ा सा फटाफट डिस्कस करेंगे, ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं। यूजर सक्सेस इंजीनियर के लिए हायर कर रही है डसॉल्ट। बेसिक रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस, एंड अगर आप इन सारी चीजों से मैच करते हो अपने एक्सपीरियंस में तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है फोर्स पॉइंट की तरफ से, तो फोर्स पॉइंट यहाँ पे हायर कर रही है आईटी इंटर्न्स के लिए। तो इंटर्न्स के लिए हायरिंग इन लोगों ने रखी है। करंटली स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस 2024 बैच अप्लाई कर पाएगा, 2025 अप्लाई कर पाएगा। मिनिमम सीजीपीए ऑफ 3 की रिक्वायरमेंट लिखी है, फैमिलिटी विद जावा .NET और जावास्क्रिप्ट का इनने नॉलेज मांगा है। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से, टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर हायर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड इंजीनियर इंटर्न। अब इसमें भी अगर बात करूँ तो कोऑर्डिनेट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑन डेली बेसिस, यू विल कैरी आउट वेरियस इंजीनियरिंग टास्क एंड अदर काफी चीजें लिखी हुई हैं। बीटेक बी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोजीशन से 10,000 रुपये स्टाइपेंड है, 6 मंथ की
इंटर्नशिप 2024-23 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, 25 बैच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ सेंटर की तरफ से जो सर्विस डेस्क इंजीनियर के लिए हायर कर रही है, सो एसोसिएट सर्विस डेस्क इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए हायर कर रही है स्पेशली, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, छोटी मोटी हायरिंग नहीं है, थोड़ी बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप जरूर अप्लाई कर दें। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी गई है जिनको आप पढ़ सकते हो, बेसिक एक्सेल की नॉलेज मांगी है, बीटेक एनी अदर रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री प्रिफर्ड, ठीक है, बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी गूगल की तरफ से जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 के लिए हायर कर रही है, और एप्पल ऑपरेशन एनालिस्ट की, तो इनकी भी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई, ये वाली लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप अप्लाई कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।